हेमलाल मुर्मू के अपहरण पार्टी में वापसी को लेकर पूछे गए सवाल पर लोभी ने कहा कि वो बिनपिंदी के लोटा की समान है। हेमलाल कभी कम्युनिस्ट में रहे, उसके बाद फिर जेएमएम में आए और उन्हें पार्टी ने टिकट देकर विधायक से सांसद पद तक का सफर करने का अवसर दिया, लेकिन वो भाजपा की गोद में चले गए और फिर वो पुनः जेएमएम में वापस आए हैं। या तो मुख्यमंत्री ही बताएंगे कि उनके पुनः पार्टी में आने से पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी। कितनी मजबूती, देखिए जेएमएम को कितना फायदा मिलेगा ये जेएमएम ही बता सकती है। जो हमारे जो सुपर है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, क्या फायदा होगा नहीं फायदा होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन को कैसे जानते हैं, कब से जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, और यहाँ के क्षेत्र की जनता केवल बरहेट विधानसभा ही नहीं पूरे राजमहल पार्लियामेंट्री इलाके के लोग जानते हैं उसको कि वो क्या है। ये व्यक्ति पहले तो था कम्युनिस्ट में, कम्युनिस्ट छोड़ करके माननीय गुरु जी के शिव सरण के चरण पे आए और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के बाद उनको टिकट दिया गया बरहेट से, बरहेट से विधायक बने, कई बार विधायक बने, इसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने राजमहल लोकसभा से, इसके बाद मिनिस्टर भी बने। फिर क्या इसको क्या हो गया, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का त्याग करके दूसरे पार्टी में चले गए, बीजेपी में चले गए, वहां भी रास नहीं आया था, पुनः फिर यहाँ आ गए। तो लोटा का जो पेंदा होता है ना, पेंदा वाला एक जगह अस्थिर रहता है, ये बिना पेंदा का लोटा कब किधर लुढ़केगा, कब लुढ़केगा, अभी भी कल परसों किधर लुढ़केंगे ये भी कहना कठिन है। इसलिए जेएमएम ने इनको लाया है, समझे क्या होगा नहीं होगा, कैसे होगा नहीं होगा, आप सारे लोग जान रहे कि हेमलाल क्या चीज। झारखंड बचाव मोर्चा के मुख्य संयोजक सह बोरियो के जेएमएम विधायक लोभी ने हेमराम पाकुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि झारखंड में आखिर नियोजन और स्थानीय नीति का निर्धारण क्यों नहीं हो रहा। आज झारखंड में युवा नीति की मांग को लेकर सड़क पर हैं, मैं भी विधानसभा में मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठाता रहा हूं, बावजूद सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 30 जून के पहले नियोजन नीति की घोषणा नहीं करती है तो झारखंड में विस्फोट होगा। हर जगह पूरे झारखंड में क्यों, क्या दिक्कत है? आप विस्थापन नीति क्यों नहीं बना रहे? विस्थापन नीति बने तो आज यहाँ का माइंस के अंदर में यहाँ आदिवासियों की जमीन, यहाँ के मूल वासियों का जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है, लिया जा रहा है, इसीलिए तो हम पेशा एक्ट का मांग करते हैं शुरू से। आज यहाँ पेशा एक्ट होता तो आज हमारा मांझी परगना सारा व्यवस्था हुआ हमारा और सुदृढ़ हो जाता। और ये शेड्यूल एरिया में सबसे पहले पेशा एक्ट में मस्ट है ग्राम सभा, बिना ग्राम सभा को कुछ नहीं हो सकता शेड्यूल एरिया में, क्योंकि पेशा एक्ट नहीं बना है जिसके चलते आज तमाम जगहों में खदान से जुड़ रहे और विस्थापन नीति अभी तक बना, विस्थापन आयोग क्यों नहीं बना है? विस्थापन आयोग बनना चाहिए ना। तो आज देख रहे हैं इनके यार जीते भी जितने लोग जिसकी जमीन के अंदर में कोयला है, तांबा है, अभ्रक है, यूरेनियम है, स्थापित हो रहे हैं, और अभी कितने लोग ट्रेसलेस हो गए हैं। आप धनबाद जाकर के देख लीजिए, गांव के लोग उजड़ गए, कहाँ है नहीं है, तो सर्वे कराना ये ट्रेसलेस।